हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताएंगे, अर्थात इम्पॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होती है, ये प्रकृति और मानव के लिए वरदान की तरह है। इसके बिना इस धरती पर या पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव लगता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण वह व्यवस्था है जिसमें सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी बदलकर जीव जगत को उपलब्ध करवाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैंने अपने चैनल में पहले ही प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसिंथेसिस पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने प्रकाश संश्लेषण का मतलब बताया था, प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन बताया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को बताया है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया है। यदि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आज हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण का महत्व बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के महत्व को कुछ पॉइंटों में हम आपको समझा देते हैं, जिसमें से पहला है भोज्य पदार्थ का उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। तो प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण का आधार प्रकाश संश्लेषण है। प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ का मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा आदि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनते हैं। अर्थ ये हुआ कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा आदि भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी हरे पौधे फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं और इन सभी भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब ये कि इन खाद्य पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बड़े स्तर पर बनाया जाता है। अन्य सभी जीवधारी अपना भोजन इन्हीं पौधों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, और अन्य जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीवधारी हैं, इन्हीं पौधों से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थ ये हुआ कि इन्हीं पौधों के ऊपर सभी जीव जंतुओं का पोषण निर्भर होता है। इसीलिए हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो प्रोड्यूसर बोला जाता है, और शेष जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, और शेष जो जंतु होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पृथ्वी पर उपस्थित जीवन प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसी क्रिया से सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोज्य पदार्थों में एकत्रित हो जाती है, जो प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक होती है। अब आते हैं दूसरे महत्व, ऊर्जा का स्रोत पर, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी पर। तो जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही मिलती है, यानी जितने भी जीव होते हैं उनको जो आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है वो भोजन से ही मिलती है। आपने देखा होगा, यदि हमारी ऊर्जा खत्म हो गई है और हम कुछ भोजन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो ऊर्जा आ जाती है। तो इस वाक्य का अर्थ यह हुआ कि जीवों को शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कोयला, पेट्रोलियम, गैसें आदि ईंधन भी करोड़ों वर्ष पूर्व भूगर्भ में संचित पौधों के द्वारा प्रतिपादित, यानी पौधों के द्वारा प्रतिपादित किए गए इसी क्रिया का मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोयला, पेट्रोलियम आदि जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ये वास्तव में वनस्पति के ही अवशेष हैं, और आजकल हम लोग इन्हीं से बने कोयला, पेट्रोलियम, तेल आदि ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार सूर्य ऊर्जा को पौधों ने इस प्रकार से संचित करके कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि को ऊर्जा के रूप में दिया है हमें, या आदि को ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अगले भाग, वायुमंडल का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण पर। यानी अगला महत्व है वायुमंडल का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसों के अनुपात को नियंत्रित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि के समस्त जीवधारी
श्वसन करते हैं। श्वसन करते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से इन गैसों का अनुपात नियंत्रित रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं मतलब सभी जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन काम में लाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं मतलब ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो वायुमंडल में फेंक देते हैं। तो दोनों प्रकार से ही वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है और ईंधन जलने से भी CO2 निकलती है। अब यदि CO2 बढ़ जाए और O2 ना हो तो वायुमंडल अशुद्ध होगा, और O2 बढ़ जाए CO2 ना हो तो पौधों के लिए कच्चा पदार्थ नहीं मिलेगा जिससे ऑक्सीजन नहीं बनेगी। इस प्रकार से वायुमंडल हो जाएगा अशुद्ध। तो ये काम प्रकाश संश्लेषण करता है मतलब प्रकाश संश्लेषण ही बढ़ी हुई CO2 के अनुपात को कम करता है और गिरे हुए ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाता है। इस प्रकार से प्रकृति में वायुमंडल के संतुलन को बनाए रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल को दूषित होने से बचाकर जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि मनुष्य और अन्य जीवधारियों का अस्तित्व प्रकाश संश्लेषण पर ही निर्भर करता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, लास्ट महत्व पर, अंतरिक्ष यात्रा में। आधुनिक समय में अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऑक्सीजन तथा भोजन दोनों की उपलब्धि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब ये कि अंतरिक्ष में जाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और भोजन भी। इन चीज़ों को पाने के लिए वैज्ञानिक लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग करते हैं और इन प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। क्लोरेला जैसे शैवालों को उगाकर इस समस्या का हल निकाला जा रहा है। यानी क्लोरेला जैसे जो शैवाल होते हैं, वैज्ञानिक लोग इस समस्या का हल इससे निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की घटना प्रकृति और मानव जाति के लिए वरदान है। तो आशा है आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अथवा इम्पॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।